मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन नवाब मलिक की खुजली का बराबर से और बहुत अच्छे से हिसाब हुआ है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवाब मलिक पूरे तरीके से अपना आपा खो चुके थे और वो लगातार हर आए दिन समीर वानखेड़े की वाइफ और उनकी स्वर्गीय माता समेत उनके बुजुर्ग पिता तक के ऊपर बेहद अभद्र टिप्पणियां लगातार किए जा रहे थे और आज के दिन तो उन्होंने हद ही पार करके रख दी। समीर वानखेड़े की माँ, जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं, वो उनके डेथ सर्टिफिकेट्स को ट्विटर पर पब्लिश करने में जुटे हुए थे। वही पुराना रेडियो कि भाई ये लोग तो पहले मुसलमान थे, अब हिंदू हो गए, और यही काम ये चचा जान बीते महीने भर से करते हुए आ रहे हैं। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जब नवाब मलिक की ऐसी पोस्ट पर पाबंदी लगाने से इनकार किया था, तो समीर वानखेड़े के पिता ने सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज किया, जिसका फैसला भी आ चुका है, जिसमें डिवीजन बेंच ने नवाब मलिक को ऐसा करने के लिए जमकर फटकार भी लगाई है और उन्हें ये भी याद दिलाया है कि आप एक नेता हैं और आपको ऐसी हरकतें करनी क्या शोभा देती है। जिसके बाद नवाब मलिक के लॉयर ने कोर्ट के सामने रिटेन में भरोसा दिया है, लिख कर दिया है कि अगली सुनवाई जो कि 9 दिसंबर के दिन है, नवाब मलिक उससे पहले तक समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली को लेकर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये थी बड़ी अपडेट जो कि मैंने आप सभी लोगों को इस वक्त बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।